जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहते। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गरम तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? सही एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति। नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। किसी वक्त वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वेदिका जी, मैंने आपका दिल तोड़ा है। वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है, और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। पर यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। साहिल, ये देख, क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। तुम जानते हो हमारा बच्चा। क्या नामकरण के जश्न में फिर एक बार पास आ जाएंगे साहिल और वेदिका? क्या अपने बच्चों के लिए दोनों देंगे एक दूसरा मौका अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी और इस अनूठी शादी को? पर प्यार के दामन में है कांटे हजार, जो चुनौती देने को है तैयार साधिका के प्यार की राह पर। क्या होगा जब प्यार और द्वेष का होगा आमना सामना फिर एक बार? जानिए आपके आ जाने से में। मुझे इस अनोखी प्रेम कहानी पे भरोसा रहा है, उसी तरह मुझे इस अनोखी शादी पे भी भरोसा है। क्या साहिल वेदिका के बीच हो जाएगा सब ठीक अगले 15 दिनों में, या खुशियों के दामन में लिपटी हुई है किसी की साजिश? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा दीवाना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आप साहिल को माफ क्यों नहीं करते थी? अपने काम से मतलब रखो। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे साहिल जैसा लड़का मिलता तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती। हाँ, ये है दूसरी औरत मेरे ही घर में घुस के मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़की किसी और के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए उसे दूसरी औरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ।
ये वेदू का चला गया। वेद? कहीं से फोन आया था लेकिन ताला लगा हुआ है। आर्या गुड्डू सब लोग आर्या को फोन कीजिए, मैं वेद को फोन कर रहा हूँ। फोन नहीं लग रहा है। वेद को कहाँ ढूंढेंगे? शायद वेद को भूलना ना। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा। ये सब कारिस्तानी इस छोटू सैतान की है, इसने हम सबको मना लिया। हाँ। मेरे स्कूल में सबके पापा वाले झंडे बनाते, मेरे उन पापा क्या नहीं बनाएंगे। पति पत्नी बन के नहीं पर वेद के माँ बाप बन के तो हम ये कर ही सकते। हमारे बच्चे ने हमारे लिए इतना कुछ किया विधि कशी, उसे बुरा लगेगा वेद के लिए। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतनी सारी प्लानिंग आपने की है, तो कैसे नहीं मनाएंगे वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू सो मच। क्या फिर? अब बोल क्या करना है। मम्मी पापा को डांस करना पड़ेगा। ये लो, उधर वो पंक्ति शादी के लिए लड़कों से मिलने की बात कर रही है और इधर साहिल वेदिका लिपट के नाचने वाले हैं। इस छुटकू वेद की इस हरकत से कहीं पुनीश जी के किए धराए पे पानी ना फिर जाए, वो ड्राइवरी करते रह जाएंगे और ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बच्चे ने कहा है तो मना नहीं कर सकते हो। चलो बैठो अपनी जगह, आ जाओ भैया। पास आए दो दिल साहिल और वेदिका क्या दे रहे हैं दूसरा मौका फिर से अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी को जो रह गई थी अधूरी। लेकिन प्यार का दामन पकड़ा है द्वेष ने भी, तो कामयाब होगी साधिका की अनोखी शादी। देखिए आपके आ जाने से में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। इस वैलेंटाइन डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन। लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मां, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत। 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। भाई हम आमिर से शादी करना चाहते हैं। पहले आमिर पसंद था तो बताया क्यों नहीं, मगर जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठ के उनसे क्या कहेंगे। मैं वचन देता हूं मैं हमारे बीच कभी कोई दूरी आने नहीं दूंगा। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीसरी नहीं, तुम तो हमारी अभिज्ञा हो।
हीरो कुमारी सा सोचिए, थोड़ा दिमाग और लगाइए। आपको मारी दी हुई पहेली जल्दी ही सुलझानी होगी चुड़ैल तक पहुंचने में। आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहाँ पे क्या हाल हो? वेदांत, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है, वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं करूंगी अपनी आई के साथ हल्दी कुमकुम। सिखा दो सबको कि तुम भी सुहागन हो। ये तेरी गलियां में अगले हफ्ते देखिए, किन किन उलझनों में फंसा है शांतनु और अस्मिता का रिश्ता, कैसे अपनी किस्मत से लड़कर अस्मिता अपने कर्तव्यों को निभाएगी